नमस्कार सभी लोगों को। आज 27 जून 2024 और सुबह मैं आया तो देखा इतना बढ़िया नज़ारा। फाइनली इतनी गर्मी के बाद आज सुबह जो एक अंधेरा सा लग रहा था बाहर, मैं उठा तो देखा मौसम में बदलाव, ठंडी हवा और एकदम पहाड़ों वाला मौसम, एकदम ताज़गी भरा। और गौरैया भी फ़िलहाल मुझे लगता है कहीं पे गई होंगी शायद घूमने। और ये देखिए एक फाइनली पौधे राहत की सांस लेते हुए, बहुत ही मुश्किल दौर रहा है इन लोगों के लिए इस बार, इतनी ज़्यादा गर्मी, जब हम लोगों के जो मेन पौधे हैं वो भी ऐसा फूल नहीं दे पाए। देखिए पोटोला का पे ही हम लोगों का उतना सफल नहीं रहा। और इस देखिए कुछ गौरैया भी दिखाई दे रही हैं इस पहाड़ों वाले मौसम के बीच ताज़गी का आनंद लेते हुए। और आज मुझे लगता है टहलने तो नहीं जाऊंगा मैं, बारिश पड़ गई, छाता लेके इतना टहलना हो भी नहीं पाता। और पेड़ भी जो हैं थोड़ा आज, जैसे जितने टाइम से जो मिट्टी जम गई थी, एक आज सांस ले पाएंगे। तो प्रकृति का एक बैलेंस करने का तरीका है। और ये हमारे अनार, गुलमोहर, थोड़े से बोगनवेलिया जो खिल पाए हमारे गौरैया तो थोड़ी सी नाराज़ है। और इस मौसम को देख के ही एक स्फूर्ति सी आ जाती है, एक बहुत बड़ी राहत। और ये छोटे छोटे पौधे जो देखिए मौसम में बदलाव आते ही पनप उठे हैं। हम लोग का ये बड़ा वाला पौधा पहली बार सूखा है, सूखा तो नहीं है, देखिए इसमें अभी भी लाइफ के अवशेष हैं। तो जैसे ही मौसम अनुकूल रहेगा ये बढ़ जाएगा। और ये जो ये वाला एरिया है जो हमने छटाई करी है, थोड़ा सा बीच में देखिए ये बंजर सा हो गया है, पर फिर से नीम बढ़ता हुआ। और हम आशा करते हैं कि ये फिर से वैसे ही हरा भरा हो जाएगा जहाँ पे गौरैया अपना शरण लेती थी। और ये देखिए थोड़ा डिस्टर्ब है, बिल्लियों ने किया हुआ, यहाँ पे बैठती है, यहाँ पे मैंने कांटे वगैरह भी लगाए थे कि ये अब यहाँ ना बैठे। और देखिए बारिश तेज़ होती हुई मुझे नहीं पता कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर इन पत्तियों के हिलने से आप महसूस कर पा रहे होंगे कि बारिश के साथ हवा आती हुई। और देखिए आवाज़ बारिश की। और मैं तो इस मौसम को बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और आपके यहाँ भी बारिश का आगाम हो चुका होगा और आप उसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो में विदा लेता हूँ। और छत पे गौरैयों के साथ इन चहचहाट के साथ इस प्रकृति के विरोध में और एक प्रकृति का जुगा बारिश गर्मी को बुलाते हुए और एक ठंडक का आभास देते हुए, तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं अनुराग।